नवरात्रि में आखिरी दिन विजयदशमी के दिन पंडालों में बंगाली समाज की महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं। इसके बाद सभी महिलाएं पान और मिठाई का भोग लगाकर एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। ये करीब 400 साल पुरानी परंपरा है। इस शुभ दिन और परंपरा को सिंदूर खेला कहा जाता है, जिसमें बंगाली समाज के द्वारा सोमवार को दुर्गावाड़ी में सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। शादीशुदा महिलाएं मां दुर्गा के माथे में सिंदूर भरकर और दुर्गा मां को उलू धोनी के साथ विदा करने की परंपरा का निर्वहन किया। मान्यता है कि मां दुर्गा की मांग भरकर उन्हें मायके से ससुराल विदा किया जाता है। कहते हैं कि मां दुर्गा पूरे साल में एक बार अपने मायके आते हैं और 5 दिन मायके में रुकने के बाद दुर्गा पूजा होती है। मां के मायके से ससुराल जाने की मान्यता को मानते हुए अपने पति की लंबी आयु के लिए बंगाली समाज की महिलाओं ने मां को समर्पित होने वाले सिंदूर से अपनी मांग भरकर एक दूसरे के गालों को सिंदूर लगाकर लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए बंगाली समिति के एक महिला और महामंत्री प्रफुल्ल चटर्जी ने कहा, जी की 9 दिन तक हम लोग पूजा करते हैं और माता जी की विदाई है और खुशी खुशी हम लोग उनको सिंदूर लगाते हैं ताकि हम लोगों का सुहाग हमेशा बना रहे। वास्तव में दुर्गा जी की जो पूजा हम लोग करते हैं, ये माँ दुर्गा अपने मायके आई रहती है और ये आज विदाई है उनकी। वो एक केले का पेड़ आप देखते हैं, केले के पेड़ को हम लोग बहु बनाते हैं जिसका नाम छटपटी है, उनको लेकर के वो शंकर भगवान का बुलावा लेकर के आते हैं इनको वापस ले जाने के लिए। आज इनकी विदाई है। मायके से ये जब जाती हैं तो ये एक परंपरा बनी हुई है कि मायके से जब भी कोई जाता है तो वो सुहागिन को सिंदूर लगा करके आलता सिंदूर ये सब पहना करके उनको विदा किया जाता है। वही कार्यक्रम आज यहाँ पे हो रहा है। दशमी चूँकि अंतिम दिन है और इसी को लेकर के हम लोग जो है माँ को विदा कर रहे हैं, ये परंपरा है।